तो नमस्कार, मैं आशीष कुमार। आज हम फिर से मौजूद हैं उस शख्स के पास, उस बुजुर्ग के पास जो जड़ी बूटी के माहिर बताए जाते हैं, जड़ी बूटी के जानकार बताए जाते हैं। हालांकि हम आपको एक चीज बता दें कि जब भी बात जड़ी बूटी की होती है तो हम किसी आयुर्वेदाचार्य से ही उस पर विशेष जानकारी लेते हैं, लेकिन ये एक ऐसे बुजुर्ग हैं जो जड़ी बूटी की परख बहुत अच्छे से जानते हैं, उसको वो लाते हैं, अपने अनुभव से वो उसका उपयोग करते हैं। फिलहाल हमारा फोकस का जो केंद्र है वो बूटी ही होगा, वो जड़ी ही होगा, लेकिन उस पर विशेष जानकारी जो है हम आयुर्वेदाचार्य से ही लेंगे। तो हमारे बीच इस समय मौजूद हैं वासुदेव जी, जो कि बिशनपुरा गांव के निवासी हैं। आज हम आपको एक खास जानकारी देने वाले हैं। यदि आप चश्मा लगाते हैं, भले ही नजदीकी हो या दूरी हो, समस्या चाहे जो भी हो, इनका दावा है कि 16 दिनों में आपका चश्मा उतर जाना है। जी हाँ, तो पहले हम ये जानते हैं कि आखिरकार वो कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है, वो कौन सा ऐसा नुस्खा है जिसके उपयोग से वास्तव में चश्मा उतर सकता है, उसके बाद हम विशेष जानकारी आयुर्वेदाचार्य से भी लेंगे। नाम तो खैर हम बता देनी है, अपना बारे में पहले हमरा की बताई कि जड़ी बूटी के जौन दुआ के परख बा, जौन जानकारी बा, कब से बा, की तरह से बा। अरे हमारे बुजुर्ग लोग जो थे, हाँ, वो लोग भी जड़ी बूटी का काम करते थे। देखते देखते जो है अगल बगल रास्ते में या छोटी छोटी झाड़ियों में ये जड़ी बूटी है, चीनने का एक अलग अलग तरीका है। चीन लेते हैं, हम चीने भी हैं, इसी तरह इसको यूज करके हम इसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद जब सही निकल जाता है तो यूज करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, और उम्र कितना भाई? उम्र हमारा 64 वर्ष का होगा। 64 आपकी उम्र है, ठीक है ना। आपने पढ़ाई वढ़ाई भी की है जड़ी बूटियों के बारे में? जड़ी बूटी के बारे में छोटा सा किताब था, उसी से कुछ कुछ पढ़कर कोर्स भी निकाले हैं। मतलब मुख्य चीज ये है कि आपके परिवार में शुरू से ये परंपरा चलती आई है जड़ी बूटियों से जुड़ने की, तो आपको वो पूरी जानकारी, वो पूरा अनुभव है, पूरा, ठीक है। आज आप क्या बताना चाहते हैं, कौन से जड़ी के बारे में विशेष रूप से बताना चाहते हैं? आज बताना यही चाहते हैं कि जो आँख में फूली हो गया है या आँख में चश्मा लगा हुआ है, इसको दूरी हो या नजदीकी हो, 16 दिन लगाने से, ये हमारा जो जड़ी है इसको 16 दिन लगाने से आँख का चश्मा उतर जाए। देखिए एक चीज मैं बता दूं, इस धरती पे मैक्सिमम ऐसे लोग हैं, अधिकांशतः ऐसे लोग हैं जो चश्मे का उपयोग करते हैं, वो चाहे दूरी हो या नजदीकी हो, और कहीं ना कहीं प्रॉपर मेडिसिन ना होने की वजह से ही उनको आजीवन चश्मा लगाना पड़ता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि 16 दिन में, खैर उस पर तो हम विशेष जानकारी आयुर्वेदाचार्य से लेंगे ही, लेकिन जिस जड़ी बूटी के बारे में आप हमें बता रहे हैं, क्या सच में वो कारीगर है? बहुत बढ़िया, अच्छा कारीगर है। हम जैसे 4-5-10 आदमी को बना करके इस दवाई की यूज करके उसको आंख को चश्मा उतरवा दिए, उतरा है। हाँ, उतर गया है। इस नजदीकी दूरी कुछ भी? हाँ, दोनों को उतार करके दिखा दिया है कि देखो ऐसे ऐसे करने से दूरी भी खत्म हो जाएगी, अति दूरी भी बढ़ जाएगी और नजदीकी भी बढ़ जाएगी, सब समस्या का समाधान होगा। चलिए, तो उस जड़ी के बारे में जरा बताइए। और आपके हाथ में हम कनेल का फूल देख रहे हैं, और ये पत्ता किस चीज का है? एक कनेल का फूल है और एक भेंगरैया का पत्ता है। चलिए, भेंगराज का पत्ता है, दोनों को मिला करके रस गार करके और दानी अंगूरी से अपने आंख में काजल करना है। आप दिखा सकते हैं क्या कि कैसे क्या करना है? जरा आप हमें दिखाइए ना कैसे क्या करना है, जरा इन पे फोकस कीजिएगा, जरा नजदीक आके आप दिखाइए। एक कनेल का फूल था और भेंगरैया का पत्ता बता रहा है। अच्छा, भेंगरैया को कुछ और भी कहते हैं? भेंगराज कहते हैं। अच्छा, भेंगराज, भेंगराज। तो भेंगराज का पत्ता आपने रखा है और कनेल का फूल, कनेल का फूल, दोनों को आप एक दूसरे में, हाँ, दोनों में टच कर रगड़ रहे हैं। हाँ, रगड़ करके इसको ऐसे जो है रस गारना है। अच्छा, तीन बूंद रस गार करके, हाँ, और आँख के ढेढ़र पर लगाना है। देखिये, हाँ, तीन बूंद गिर गया, हाँ, अब इसको फेंक देंगे ऐसे करके, अंगुली में जो है ऐसे इसमें काजल करेंगे, ऐसे काजल करेंगे, ऊपर वाला भाग में नहीं लग रहा है, सब नीचे वाला भाग में दोनों में ही लगा लेना। दोनों में लगाने से 16 दिन के बाद चश्मा उतर जाएगा। तो आपने ये कहा कि अंदर नहीं डालना है। अंदर नहीं डालना, ये जो यहाँ पे हम देख रहे हैं काजल करते हैं ना, उसी तरह लगा लेना, वैसे ही बस लगा लेना है, बस यही वो चीज है, यही एक चीज है। भेंगराज और कनेल का फूल, सफेद फूल हो या पीला फूल, चार किस्म का कनेल का फूल होता है, लेकिन चारों का विभाग अलग अलग होता है, लेकिन ये दोनों जो है आँख में काम कर सकता है। इसमें जो कनेल का आपने उपयोग किया वो पीले वाले का किया है, तो मतलब आँखों के लिए पीला वाला कनेल लगाना है, और फिर भेंगराज का पत्ता, हाँ, भेंगराज का पत्ता, दोनों को लेके दोनों को एक बराबर रखना है। हाँ, दोनों का एक बराबर होना चाहिए। रस गार कर आँख में लगाने से दूरी भी बढ़ता है
और नजदीकी भी बन जाए। चलिए, विशेष जानकारी जो है हम सीधे एक बेहतर, एक अच्छे और अनुभवी आयुर्वेदाचार्य से लेते हैं और आयुर्वेद के अनुसार ही इस पर हम आपको विशेष जानकारी साझा करते हैं। तो अभी हमारे बीच पतंजलि के आयुर्वेदाचार्य भुवनेश पांडे जी मौजूद हैं। विशेष जानकारी हम लेते हैं कि क्या सच में भेंगराज के पत्तों का उपयोग अगर हम करते हैं तो आंखों की रोशनी हमारी बढ़ने लगती है, और बात जहां तक चश्मे की है तो वो हम इस कदर तक सही हो जाती हैं हमारी आंखें कि हम उसको उतार भी सकते हैं, इस पे क्या बताते हैं आप? जी बात सही है, मतलब लाभ करेगा। हाँ आंख भेंगराज रस जो होता है, हाँ, और आंख और बाल दोनों के लिए लाभ करता है। हाँ, तो ये एकदम मतलब श्योर है कि कोई भी व्यक्ति हो, हाँ, अगर उसकी आंखों की रोशनी कमजोर है, चश्मे का वो प्रयोग करता है चाहे दूरी हो या नजदीकी हो, उसमें वो लाभप्रद होगा। हमने देखा कि कनहल के फूल का भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि भेंगराज के पत्ते को लेकर उसमें हम कनहल को भी मिक्स कर रहे हैं, पीले वाले कनहल को, फिर उसका जो रस निकल रहा है उसको हम आंखों के नीचे लगा रहे हैं। इस कनहल के लिए सावधानी होनी चाहिए, आंख के अंदर उसका रस नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। बाकी अगर सिर्फ हम भेंगराज के पत्तों के रस का उपयोग करते हैं तो आंख के लिए लाभकर हो। दिन भर में कितनी बार इसका उपयोग करना होगा? दो बार सुबह शाम हम कर सकते हैं। सुबह शाम सावधानी यही बरतनी है कि अगर कनेर का फूल है, हाँ, तो सावधानी है कि आंख के अंदर नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। बाकी सिर्फ भेंगराज के पत्तों से भी वो भी उपयोगी है, पूरी तरह से लाभप्रद होगा। ठीक, किसी और भी तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं? जैसे कि रस का तो हमने देख लिया आंखों में, जैसे हम काजल लगाते हैं वैसे, या फिर किसी और तरीके से भी इसका उपयोग होता है? और तरीके से नहीं, आंख में तो उसी रूप में होगा, आश्वेतन के रूप में होगा, ड्राप के रूप में हम डाल सकते हैं, तो छान करके रस निकाल करके छान करके ड्राप के रूप में आंख में डाल सकते हैं, डाल सकते हैं सिर्फ भेंगराज के पत्ते। केवल भेंगराज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ठीक।